हे गाइस वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो आज का शिफ्ट है पहला शिफ्ट, वो उसका एग्जाम हो चुका है और उसी का पेपर एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं किस सेक्शन से कहां से कितने क्वेश्चन आए थे और पेपर का लेवल क्या था आज का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले इंग्लिश की। तो इंग्लिश एग्जाम लेवल ओवरऑल बात करें तो ईजी था, अगर 22 के मुकाबले हम लोग बात करें 22 को जो एग्ज़ाम हुआ था। इसके अलावा इंग्लिश ईजी आई थी, आरसी आई थी, स्टोरी बेस्ड आई थी, 8 क्वेश्चन थे इससे। उसके बाद आपका फिलर्स आए थे, फिलर से आपके 5 क्वेश्चन थे, सिंगल्स फिलर्स थे। उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट से 5 से 6 क्वेश्चन थे और कार्बन बेस्ड कुछ स्टोरी था जिससे भी ये पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद रीअरेंजमेंट आया था, रीअरेंजमेंट से 5 सेंटेंस दिए जाते थे और उसके बाद उसको रीअरेंज करना था, तो इससे भी 5 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद बात करें तो इरर आया था आपका, 5 इरर आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सेक्शन था। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ईजी था, जैसा कि हम लोग से बात हुआ है, जो भी एस्पिरेंट है जिन्होंने जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था तो उन्होंने बताया है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी है हमारे पास। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैथ्स का लेवल क्या था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, इजी नहीं कह सकते। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे गए थे 5 क्वेश्चन, वो सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन था 13, फिर 22, फिर 36, फिर 60, फिर 99, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको बोल देता हूँ, 13, 22, 36, फिर 60, फिर 99, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था। उसके बाद है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपको वो भी नंबर सीरीज से था, वो पूछा गया आपको, देख सकते हैं 5, फिर 60, फिर 49, फिर 148, फिर 445, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तीसरा सीरीज है आपका 6, फिर 4, फिर 5, फिर 8.5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर बाद में है 46। ठीक है, उसके बाद है आपका 4, चौथा नंबर सीरीज है 4, फिर 13, उसके बाद 31, फिर 67, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 283। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर सीरीज है 16, फिर 24, फिर 88, फिर 304, फिर 816, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसके बाद बात करें तो अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन था, एक पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन देखा गया, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया था, सीआई से भी क्वेश्चन था, एसआई से भी क्वेश्चन था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें सिंप्लीफिकेशन के, तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे और बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, कुछ टफ लेवल का नहीं था, हो सकता है कि जो सेकंड शिफ्ट हो उसमें थोड़ा सा हो सके, क्योंकि ऐसे ही होता है, पिछले बार भी देखा गया था, पहला शिफ्ट का जो पेपर था थोड़ा इजी था। इसके बाद देखते हैं, देखिए डीआई से क्वेश्चन पूछा था, बार ग्राफ दिया हुआ था और नंबर ऑफ आर्टिकल वगैरह दिए गए थे, ऐसे ही कुछ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और वो भी सिंपल था, कुछ टफ नहीं था। ठीक है, मैथ्स ये हो गया, मैथ्स में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। इसके बाद देखते हैं कि रीजनिंग में क्या पूछा गया है, तो अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में देखिए 3 डिजिट नंबर वाले सीरीज पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट से भी आपका क्वेश्चन आया था 3, और अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, सिंपल थे वो लोग, और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे आपके इनइक्वालिटी से। सिलॉक से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पजल आपके 3 पजल आए थे, एक आपका मंथ बेस्ड था, एक आपका सर्कुलर सीटिंग था जो कि सभी एक तरफ मुँह करके बैठे हैं, और लास्ट था आपका रो बेस्ड, 7 पर्सन उसमें बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ मुँह करके। ठीक है, तो ये सब पोर्शन है जो कि पूछा गया है आज के पहले शिफ्ट में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।